ख्वाब था कि क्यों ना हमारे गांव में ऐसे खेल की कोई ना कोई संस्था एकेडमी खोली जाए, शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए, तो एक जुनून था। जब 2014 में यहाँ के तत्कालीन प्रधानाचार्य खिराज जी, उनसे मेरा संपर्क हुआ राज तारानगर में, जब डिस्ट्रिक्ट का टूर्नामेंट होगा, उन्होंने कहा 10-12 टीम आती है तो हमारे पास भी बच्चे हैं तो हमें भी आप कुछ सिखाओ। तो मैंने कहा आप सामान मंगा लो और मैं आ जाऊँगा आपके फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देने के लिए। तो मैं यहाँ मई जून में मैं यहाँ रहा बच्चों के साथ, बच्चों को बुलाया। फिर बड़ी दिक्कत आई, यहाँ ग्राउंड में बड़ी दिक्कत थी, यहाँ ग्राउंड था ही नहीं, ग्राउंड में तो यहाँ चूहों के और के जानवरों के बिल भी थे। और फिर लड़कियों की जहाँ तक बात है तो लड़कियों के पेरेंट्स हैं, जिला स्तर में किसी का सिलेक्शन हो गया तो कोई जाने में किसी की माँ ने मना कर दिया, किसी की दादी ने मना कर दिया। हमने गांव वालों से, बच्चियों के पेरेंट्स से इनको समझाया कि हमारी बच्चियां तब खेलेंगी, इनका नाम रोशन होगा, हमारे गांव का नाम रोशन होगा, स्टेट का नाम रोशन होगा, देश का नाम रोशन होगा। और इन बातों को सब बातों पे गांव वालों ने हम पे विश्वास किया और बच्चियों को यहाँ खेलने के लिए भेजा, जिसका प्रतिफल आज हमारे गांव के बच्चों को मिल रहा है। स्टेट खेल रही हैं, नेशनल जाके आई हैं, और भी बच्चे नेशनल में चयन होने लायक हैं। बहुत सी परिस्थितियाँ ऐसी भी हुई जहाँ पे वो कि बॉयज़ को मत खिलाओ, गर्ल्स को मत खिलाओ, फिर मैंने उन सबको एक साथ जोड़ के और उनको आगे बढ़ाया। सर मेरे आइडिया तो नहीं आया, बट सर ने आया कि हॉकी होती है। मेरे को पता नहीं था हॉकी क्या होती है। जब 15 अगस्त थी तो सर हमें तैयारी करवा रहे थे, तो मैं ग्राउंड पे आई तो सर ने बोला आपको हॉकी भी स्टार्ट करवाएंगे, तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हॉकी ले ली और मैं तारानगर खेलने गई, तो फिर मेरे पापा से पूछा मैं हॉकी खेल लूँ क्या, पापा ने पूछा हाँ खेलते। और सर मेरे पापा खेती का काम करते हैं और मम्मी भी खेती का काम करती है। देखा कि बच्चों में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको सपोर्ट करने के लिए और उनको गाइड करने के लिए हमें थोड़ा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। मैं भी एक नेशनल प्लेयर रही हुई हूँ और मैं 6th क्लास से हॉकी की स्टूडेंट हूँ। और मैंने भी बहुत सी परिस्थितियों से, ऐसी परिस्थितियाँ आई है जहाँ मतलब कि मेरे को गेम छोड़ने तक की नौबत आ गई, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को इस काबिल बनाया कि मुझे कैसे भी करके एक कोच लगना है। उसके लिए मेरे कोई परिवार ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ना ही मेरे अंकल वगैरह किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया। हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी थी, बैकग्राउंड मेरा इतना कमज़ोर था, हम 13 बहन भाई हैं और मेरी फैमिली इतनी कमज़ोर है कि 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन मेरे पापा ने मेरे लिए मजदूरी की और मुझे इस काबिल बनाने के लिए प्रेरित किया। और धीरे धीरे मैं नेशनल खेली, उसके बाद मैं यहाँ ज्वाइन हो गई और यहाँ ज्वाइन होने के बाद में मैंने बच्चों को हार्ड वर्किंग स्टार्ट किया कि ये मुझे रिजल्ट दे। पहले गांव में पता नहीं था हॉकी का, पहले थोड़ा बहुत मतलब हॉकी स्टार्टिंग हुई सर ने, हकम सर ने, और हॉकी स्टार्ट की, फिर थोड़ी बहुत खेलने लगी, स्टेट लेवल तक खेले, फिर स्टेट में इस बार पोजीशन भी है, स्कूल स्टेट में 2nd पोजीशन। मेरे घर की स्थिति बहुत कमज़ोर है, मेरी नहीं सभी लड़कियों की कमज़ोर है, इसलिए हम बड़ी मुश्किल से खेल रहे हैं। खेलने के बाद भी हम अपना रिजल्ट दे रहे हैं और हमें अच्छी क्वालिटी और अच्छी रहने की व्यवस्था भी दी जाए और हम और अच्छा इम्प्रूव कर सकें। सर चेंज रूम होना चाहिए और ग्राउंड की सफाई में हमेशा करते हैं, सफाई करनी चाहिए। मांग करती हूँ कि मैं अगर कहीं भी छोटी सी नौकरी लग जाऊँ ना, तो मुझे 1-2 रुपये करके मैं मेरी अपने पेट भर लूँ। कपड़ा कुपड़ा नहीं मिलते है, खाना भी नहीं मिलता है, बहुत
गरीब है वैसे। हमें भी यहाँ आके जस्ट उद्घाटन करवाया था एमपी साहब से, तो उन्होंने कहा कमरा दे देंगे, वो दे देंगे, 25 लाख रुपए आपको देंगे। आज तक हमें तो पैसा दिया नहीं, तो मैं तो नहीं मानता कि गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है। सरकारी मदद तो कुछ नहीं मिलते हैं, सरकारी मदद तो कुछ मिली नहीं है। बोला दे दिया कोई की सहयोग कौन दे, आज तक दिए कौन कहीं गाँव का फेर भी करें पर सरकारी सहयोग कौन दियो आज तक। पैकेट से जब ये अकेडमी चलाई थी, हमने ये 7-8 बच्चों को रखा था, तो उनके लिए आधा खर्चा हेडमास्टर जी से मिलता था, आधा सरपंच महोदय से मिलता था, आधा खर्चा मैं भी देता था। अब जब हमने एकेडमी शुरू की थी, उस समय हमने बहुत संघर्ष किया इसके लिए। मैंने कहा जैसे कैसे हमारी एकेडमी खुल जाए। इसके अलावा हमें जो परमानेंट कोच की आवश्यकता है, या पार्ट टाइम जो कोच हैं उसके साथ साथ एक परमानेंट कोच भी लगाए जाए, ये हमारी मेन मांग रही। सर सबसे बड़ी ही कमी ये है, इनको हर्ड से हार्ड वर्किंग इसीलिए हम नहीं करवा सकते क्योंकि इनकी बॉडी वीकनेस आ जाएगी। अगर इनको प्रॉपरली डाइट नहीं मिलेगी तो ये बच्चे अंदर से कमज़ोर हो जाएंगे। ये कुछ दिन तो मेहनत करेंगे लेकिन फिर बाद में वीक हो जाएंगे, इसलिए इनको उतना ही करवाया जाता है जितना कि इनको डाइट प्रॉपरली घर की मिलती है। इनकी परिस्थितियाँ इतनी कमज़ोर है कि सर ये 2 वक्त का खाना नहीं खा सकते, वो बच्चे इतनी महंगी डाइट कैसे लेंगे। तो मैं अथॉरिटी से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इन बच्चों को थोड़ा टफ, मतलब कुछ इनको ऐसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए जिनसे इन बच्चों को मतलब कि माइंडली और बॉडीली प्रिपेयर किया जाए। उनको कुछ खाने की सुविधाएं अगर उपलब्ध हो जाए, रहने की, और कुछ अलग उनको मिले जैसे डाइट के रूप में, तो ये बच्चे बहुत हेवी लेवल तक जा सकते हैं। ये बहुत जल्द इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंडिया के लिए खेल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर इनको डाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इनको बिल्कुल महसूस भी नहीं करवाई जाती। ये सारे बच्चे उसमें से कम 5 या 10 तो इंडिया टीम में नाम करेंगे, हमारा सरपंच महोदय का, हमारा गांव का। हम देखना चाह रहे हैं कि इंडिया की स्क्रीन पे जो हॉकी टीम जाए ना, तो उसमें 4 बच्चे या 5 बच्चे हमारे हो इंडिया की टीम में। आगे मैं खेल कर कुछ मन जाऊँ तो अच्छा। मुझे नेशनल खेलना है। मैं जब बाहर जाती हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। फिर लड़कियों को खेलते देखती हूँ, उनका गेम बहुत अच्छा होता है, तो मेरे को अपने आप ही दिमाग में आ जाता है यार कितना अच्छा उनका गेम है, कैसे फिर सर मेरे को स्पोर्ट मिल जाता है। जल्दी 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 सुनो, आप भी उधर खड़े हो जाओ, आपकी मैडम कराएंगी। जल्दी 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 आप नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। जल्दी जल्दी आगे जाऊंगा तो और नहीं आएगा। हाँ जल्दी करो,